नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई इन दिनों शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हैं। वे आने वाले समय में राजस्थान और हरियाणा में दो बड़ी रैलियां करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार होने पर कुलदीप ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को हरियाणा में मंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि यदि भव्य मंत्री बनता है तो इससे सबका फायदा भाजपा को होगा। कुलदीप ने कहा कि भाजपा में केंद्र और राज्य में बिश्नोई समाज को कोई बड़ा औहदा नहीं दिया गया है। अभी तक कोई मंत्री नहीं मिला। राजस्थान में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई समाज डोमिनेट करता है। यदि भव्य को कोई औहदा मिलता है तो इससे बिश्नोई समाज खुश होगा। एक तरफा वोट भाजपा को पड़ेगा, चौधरी भजनलाल और उसका खुद का वोट बैंक जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में है वह भी भाजपा में डाइवर्ट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई हरियाणा और राजस्थान में दो बड़ी रैलियां करेंगे। इसमें एक रैली हरियाणा और दूसरी रैली राजस्थान में होगी। कुलदीप ने बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर रैलियों के लिए तारीख मांगी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।